5,000 रुपए का इनाम ब्राइडल रैंप शो का। रीवा के फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर में हुआ आयोजन। पहचान फाउंडेशन के पैनर तले मेकअप आर्टिस्ट अर्शी खान की 3 दिन की क्लास खत्म होने के बाद रीवा सहित आसपास की ब्यूटिशियनों ने लिया भाग। 5,000 रुपए इनामी ब्राइडल रैंप शो का रीवा के फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर में हुआ आयोजन। पहचान फाउंडेशन के बैनर तले मेकअप आर्टिस्ट अर्शी खान की 3 दिन की क्लास खत्म होने के बाद रीवा सहित आसपास की ब्यूटिशियन ने लिया भाग। फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर और पहचान फाउंडेशन के बैनर तले रीवा में आयोजित किया गया ब्राइडल रैंप शो। विजेता को दिया गया शानदार ट्रॉफी और 5,000 रुपए नगद। निर्णायक मंडल में शामिल रही रीवा शहर की सीनियर ब्यूटिशियन गगन सिंह और सुगंधा गुप्ता, जिन्होंने भाग ले रही ब्यूटिशियन को शानदार मेकअप के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने एक नहीं 2 विनर चुने। उनका कहना था, काफी मुश्किल था, सभी ने एक से बढ़कर एक मेकअप किया था, क्योंकि किसी न किसी को तो हमें विनर बनाना था, इसलिए जब काफी दिक्कत थी तो हमने एक की जगह 2 विनर बनाए। काफी अरसे बाद ब्राइडल रैंप शो का रीवा में किया गया आयोजन। अपने तरीके की इस अनोखे शो में जीतने वाली को 5,000 का नगद पुरस्कार और ट्रॉफी आयोजक के द्वारा दी गई। काफी संख्या में रीवा सहित मनगवा, सेमरिया और आसपास की ब्यूटिशियन ने ब्राइडल शो में भाग लिया। विनर का चुनाव करने के लिए गगन सिंह और सुगंधा गुप्ता को काफी मेहनत करनी पड़ी। गगन सिंह ने भाग ले रही ब्यूटिशियन को मेकअप को देखते हुए एक नहीं 2 विनर का चुनाव किया। हालांकि उनका कहना था, जितने भी प्रतियोगी ने भाग लिया वह सब जीत के हकदार हैं, लेकिन इनाम किसी एक को तो देना ही पड़ेगा। ब्राइडल शो की तैयारी के लिए मेकअप आर्टिस्ट अर्शी खान ने 3 दिन की वर्कशॉप आयोजित की थी, जिसमें ब्यूटिशियंस की छोटी छोटी बारीकियां सिखाई गई थी। साथ ही प्रतियोगियों को किस तरीके से ड्रेस का चुनाव करना है, किस तरीके से लहंगा ज्वेलरी होनी चाहिए के बारे में बताया गया था, जिसकी वजह से निर्णायक को चुनने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक से एक बढ़कर लोगों ने मेकअप किया था। इस बारे में हमने अर्शी खान और आयोजक सनी अरोड़ा से बात की। उनका साफ तौर से कहना था, ये तो अभी शुरुआत है, निकट भविष्य में हम एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे फिल्म की कोई सेने तारिका भी इस मौके पर मौजूद रहे। साथ ही इस बार हमने 5,000 रुपये ब्राइडल मेकअप में जीतने वाली ब्यूटिशियन को दिया, अगली बार यह इनामी राशि काफ़ी बढ़ जाएगी। हमारा साफ तौर से ये मानना है, रीवा में काफ़ी प्रतिभाएं हैं, जरूरत है उनको निखारने की। जिस तरीके से हमने अब ये कदम उठाया है, निकट भविष्य में आपको रीवा में एक से एक बढ़कर प्रतिभाएं दिखाई देंगी। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे आयोजन को लेकर, पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से प्रतियोगी चुने गए, किस तरीके से एक आयोजन किया गया, इसके बारे में सनी अरोड़ा और अर्शी खान ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरा आज ये कॉम्पिटिशन है, मेकअप कॉम्पिटिशन है, और मैंने 3 दिन की वर्कशॉप की और फिर लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैंने ये कॉम्पिटिशन रखा था। और आज मेरे 2 ब्राइड्स में टाई हो गया और दोनों मॉडल्स में दोनों टाई होने के बाद एक फर्स्ट आई है, सेकंड आई है, क्योंकि मैंने एक ही प्राइज रखा था लेकिन मजबूरन मुझे 2 प्राइज करने पड़े और सबने बहुत अच्छा काम किया। प्राइज में क्या था? प्राइस में 5,000 वर्ड का हमारा गिफ्ट था, जो मेकअप की वैनिटी और कुछ और अंदर प्रोडक्ट्स हैं वो हैं, और सेकेंड प्राइस हमारी ट्रॉफी और पहचान फाउंडेशन और फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर के तत्वाधान में आज रीवा में हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 3 दिन की पहले तो मेकअप की वर्कशॉप थी और जो पूर्णतः निःशुल्क थी, और 3 दिन में 25 से 30 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और अर्शी खान मेकअप आर्टिस्ट थी हमारी संस्था की, और उन्होंने बहुत ही अच्छा मेकअप सिखाया, बहुत ही अच्छे मेकअप रिव्यू सिखाया, सब लोग काफ़ी खुश हुए। और आखिरी दिन उन्होंने एक ब्राइडल कंपटीशन रखा था, जिसमें उन्होंने ब्राइडल कंपटीशन में जो जीतने वाली ब्यूटिशियन थी और मॉडल थी, उनको लगभग ब्यूटिशियन को 5,000 की कीमत पर एक शानदार गिफ्ट भी दिया गया था, और साथ ही साथ मॉडल को भी गिफ्ट दिया गया, और ये बहुत ही अच्छा शानदार आयोजन।